देखिए चावल को किस तरह इजी तरीके से करते हैं मैं आज आपको मैं बताऊंगी। जैसे कोई मापना इतना पानी लेना है, पानी सूख जाएगा, वो सब नहीं। ठीक है, मैंने इतना आधा पानी ले लिया, जैसे एक गिलास चावल के लिए मैंने उसमें 20-25 पानी ले लिया, जो निथारने वाला चावल, जो चावल को हम छान कर निकालते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए मैंने एक गिलास इसमें इसी ग्लास में एक ग्लास ले लिया, पानी गरम हो जाएगा ना, तो ये मैं बिन कर चावल को थोड़ा कंकड़ वगैरह ढूंढ लेंगे और डाल देंगे। मैं इसी ग्लास में 2 ग्लास बासमती चावल ले लिया, आप कोई भी चावल ले सकते हैं। मैं आज चावल फ्राई कैसे बनाना है वो बताऊंगी इजी तरीके से, जैसे बच्चे हॉस्टल में नहीं खा सकते हैं ना, तो इजी मेथड में बताऊंगी तो उनको फटाफट आ जाएगा। ठीक है, आप भी देखना। ओके, अब मैं ये चावल को बिन लूंगी और धोकर उसी में थोड़ा पानी गर्म हो जाएगा तो उसमें डाल दूंगी, फिर आगे आपको बता रही हूँ। देखिए पानी भी थोड़ा अभी गर्म हो गया ना, अब मैं आपको ये चावल धो दी हूँ, आपको ये बता रही हूँ चावल अभी डालना है। देखिए मैंने अभी धोने के लिए गई थी, धोकर रख दी, अभी धोकर ये डाल देती हूँ। पहले से धोने की ऐसे रखने की जरूरत नहीं है, जो चावल को ऐसे भिगा कर रखते हैं वो नहीं, पानी बैठा देने का, गर्म हो जाएगा तो चावल को 2-3 बार ऐसे धोकर डाल देने का। इजी प्रोसेस है, मैं तो बच्चे लोग को समझ में नहीं आता है क्या करना है, कैसे चावल बनाना है। ठीक है, फिर उबाल आएगा, 2-3 उबाल आएगा, बस चावल को देखते रहने का, थोड़ा दबाने का, टाइट में ही निकाल देने का और पानी उसका निथार देने का। चावल का पानी सब निथार देंगे मतलब एक बर्तन में निकाल देने का हमें पकड़ के, ठीक है, ऐसे ढक्कन लगाकर पकड़ कर पानी को निथार देने का, फिर सीधा करके रख देने का, फिर अपना चावल खिला खिला लगेगा। ठीक है, और चिपके ना इसलिए उसमें 2-3 बूंद तेल ऑयल डाल देने का, ताकि वो चावल खिला खिला रहे, नहीं तो नींबू डाल देने का, थोड़ा सा नींबू का 2-3 टिप्पा बूंद डाल देने का। ठीक है, आप डरना नहीं, इस तरह करके देखिए चावल परफेक्ट बनेगा। फिर उसके बाद मैं आगे का चावल को कैसे फ्राई करके खाते हैं वो लिए अब मैं बताती हूँ कहाँ तक पहुँचे हैं हम। ठीक है, देखिए इस तरह हुआ तो समझ नहीं जानेगा कि पूरा हो गया ये चावल, इसका ऊपर ऊपर का जो फेस है वो मतलब जो क्या बोलते हैं फॉर्म आता है ना उसको फेंकने का निकाल के ऐसे ऐसे बेसिन में डाल देने का, फेंक देने का। देख रहे हो ना, तो इसी में हमें छान कर नहीं निकालना है, वो तो ऐसे बिरयानी वगैरह बनाने के लिए करते हैं तभी छानते हैं, हमें सिर्फ चावल को फ्राई करना है तो थोड़ा पक जाने दो, 90% पक जाएगा तो फिर हम गैस ऑफ कर देंगे और उसको निथार के रख लेंगे, छान के रख लेंगे। ठीक है ना, तब मैं आपको बताऊंगा और होगा ये। ठीक है, बासमती चावल तो जल्दी हो जाता है, बस और 5-10 मिनट लग। देखिए अब चावल हो गया ना, इसी स्टेज में हमें इसे निकाल देना, मतलब उबले हुए चावल हम बना रहे हैं, ऐसे ही कच्चा भी खा सकते हैं, जो और दूसरे सब्जी दाल चावल सब्जी जो खाते हैं उसी तरह हम इसे खा भी सकते हैं। ऐसे उबले चावल का ही इस मसाले से मैं फ्राई राइस बनाऊंगी। ओके, 4 कप चावल से बन सकता है, अब नमक डालने की एक्स्ट्रा नमक डालने की जरूरत नहीं है, इतना टेस्टी लगेगा आप खाते रह जाओगे। देखिए ऐसा हो गया ना, ऐसे स्टेज में ही हमें इसे निकाल देना है। ओके, दबा कर एक बताती हूँ, देख रहा है इस तरह से, और दबा देने का मैं एक हाथ में पकड़ लूँ, रुको, देखिए हो जाता है, बस हो गया। अब इसको हम बंद कर देंगे, बंद, अब ढक्कन लगा दूंगे। इतना सारा सब जो पानी है ना उसको क्या बोलते हैं, चावल का मांड, हाँ, इसको एक तो हम बाल में भी लगा सकते हैं, दाल में भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों को तो नहीं चाहिए रहता है, हॉस्टल के बच्चे को, वो निकाल कर फेंक भी सकते हैं। ठीक है, तो कोई ये नहीं, इसमें ऊपर ऊपर का पानी हम निकाल कर फेंक देंगे। ऐसे मेरे पास चिमटी है तो मैं लगा रही हूँ, ताकि ये गिरेगा नहीं, टाइट वाला चिमटा ऐसे लगा दी हूँ। फिर इसको मैं बेसन में
डाल दूंगी ताकि वो पानी निकल जाए, उसका मांड निकल जाए, ठीक है। नहीं तो अगर ऐसे चिमटी नहीं होगा आपके पास तो आप हाथ में ऐसे पकड़कर दोनों तरफ कपड़ा पकड़कर और ऐसे निथार देने का पानी को, ठीक है, ढक्कन लगा कर, वरना गिर जाएगा पूरा चावल, ठीक है। अब मैं निथार कर लाकर बताती हूँ आगे। देखिए मैंने चावल को निथार के ले लिया, अभी काटने के लिए बैठ गई, मेरा ये सब रेडी हो गया। अब देखिए आपको जो जो इसमें से चाहिए, जैसे मैंने ये कॉलीफ्लावर ले लिया, पोटैटो ले लिया, पीज ले ली, कैरेट और ये बीन्स जो फर्सी, ठीक है, और शिमला मिर्च एक ले ली हूँ, मशरूम थोड़ा ले ली हूँ, दो तीन प्याज काट कर रख दी हूँ, और मिर्च तीन चार, थोड़ा तीखापन लगा, अच्छा लगेगा, हाँ ठीक है ना। तो उसके लिए मैंने मिर्च भी ले लिया, धनिया पत्ता ले लिया, एक बड़ा टमाटर ले लिया। अब लहसुन को इस तरह करके ऐसे काट कर अभी रख दिया। अब गैस की तरफ चलते हैं, ठीक है। देखिए आप सब देख रहे हो ना, ये सारा मैंने ये सेजवान फ्राई राइस के लिए सब ये काट कर सब्जियां रख दी है। अपने को जो जो डालना है फ्राई राइस में वो ले सकते हैं अपने हिसाब से, अपने जो उसके हिसाब से अपने को कौन सी सब्जी अच्छी लगती है, ठीक है, पता चला। तो अपने को जैसे अभी ये कढ़ाई में कितना होगा, अगर ये ज्यादा लगेगा तो इसमें सब थोड़ा थोड़ा डालने का, दो चम्मच तेल के जगह एक चम्मच डालने का, इस तरह दो कढ़ाई में भी कर सकते हैं। और ढेर सारा चावल, चार कप एटलीस्ट, इसमें नमक डालने की जरूरत नहीं है किसी में भी, ये पैकेट में सब है, ठीक है, ओके। चलो अब करते हैं। देखिए इतना सा चावल है, ठीक है, तीन जन को आराम से हो जाएगा, नहीं तो दो जन भी खा सकते हैं, ज्यादा खाना चाहिए तो, क्योंकि ये पैकेट में सिर्फ चार कप, जैसे मैं छोटे ग्लास में ली हूँ दो कप का, मैं बनाकर बता रही हूँ, ये कढ़ाई में चार कप भी आ जाएगा आराम से, ठीक है। ऐसे बड़ा सा कढ़ाई बैठाने का और चार कप आराम से कर सकते हैं, इससे ज्यादा चावल नहीं कर सकते हैं, छोटे छोटे ग्लास में या तो छोटे कप में चार कप ये सेजवान राइस, इसमें नमक वमक सब है, कुछ जरूरत नहीं है, ओके। अब देखिए कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें दो चम्मच ऑयल डाल देती हूँ, मुझे अंदाजा है इसलिए मैं दो चम्मच के हिसाब से इतना, ठीक है, दो चम्मच, क्योंकि नॉन स्टिक पैन है तो हो जाएगा, आपका खाली ऐसे ही पैन होगा तो तीन चम्मच आप डाल सकते हैं। फिर मैं फैन थोड़ा फ्लेम को थोड़ा मैं स्पीड कर देती हूँ। अब इसमें पहले मिर्च डाल देंगे तेल को गर्म हो जाने पर, देखिए सारा मैंने तेल गर्म हो गया, अब मैंने मिर्च डाल दिया, दो जैसे बड़े बड़े खीरा लगा दी थी मिर्च में, छोटे छोटे करके नहीं, ताकि अगर कोई नहीं खाता होगा तीखा तो उसके मुँह में ना लगे, ठीक है। और इसमें दो तीन कांदा काट कर देखिए डाल दी, थोड़ा हो जाएगा, इसमें अभी नमक डालने की कुछ जरूरत नहीं है हमें, किसी नहीं। इसमें लहसुन को ऐसे काट कर रखी थी, ऐसे लहसुन को काट कर रखी थी सीधा लगा कर, ठीक इसमें डाल दी, इजी मेथड बता रही हूँ, ऐसे करके खा सकते हैं, कोई भूखा नहीं रहेगा और टेस्टी भी लगेगा अपने को। जैसे घर में अगर बोरिंग लगा के अलग अलग सब्जी दाल कौन ये सब बनाता है, तो ऐसे खाली चावल बना देने का, पका कर निकाल देने का चावल, ठीक है, फिर उसके बाद ऐसा फ्राइड राइस बनाकर खा लेने का, और इसमें कोई दाल वगैरह कुछ जरूरत नहीं। थोड़ा ऐसे भून लेने का, ऐसे सब अलग अलग रहने का, लहसुन थोड़ा अगर मैं लाल देखूंगी तभी मैं उसमें सब सब्जियां डालूंगी। देखिए अब इसमें आप बोलोगे कि हल्दी पाउडर कुछ ये सब नहीं डाले, तो नहीं, अभी इसमें नहीं डालना है। अब मैं सब सब्जियां डालूंगी, शिमला मिर्च डाल दी, मशरूम डाल दी, आप कम डालना चाहो तो कम भी डाल सकते हो, नहीं मुझे अभी ज्यादा डालना है, कॉलीफ्लावर भी डाल दी, इसको सब अभी पकाना है अपने को, तो थोड़ा हाई फ्लेम भी कर दोगे तो भी चलेगा, मीडियम आंच में। एक पोटैटो काट कर रखी थी वो भी डाली, पीस भी डाल दी, कैरेट, आपको अगर ज्यादा लगेगा तो कम डालना।
देखिए मैंने सब डाल दिया, अब इसको पलट पलट कर, अभी मसाला का चलो कुछ नहीं है, जो पकने के बाद ही फ्राई राइस मसाला उसे डाल देने का पेपर पर चावल। अब मैं टमाटर भी डाल देती हूँ, फिर ढक कर सब रख देंगे, पलट के पक जाने के बाद चावल डालेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे आपको ज़्यादा लगेगा तो दो कढ़ाई बैठाने का, मेरा ये गहरा कढ़ाई है बड़ा वाला, तो इसमें तीन चार जन का आराम से आ जाएगा। तो पक कर थोड़ा कम हो जाएगा, ढक देती हूँ, इधर ही खड़ी हूँ, मतलब देखने का, ऐसा नहीं कि ये ढक कर चले जाने का तो पूरा मेल्ट हो जाएगा, नहीं तो जल जाएगा। तो इसको मैं मीडियम आँच में और ढक कर रख दूँगी। नमक वगैरह अभी कुछ नहीं डाली है, ठीक है, आपको थोड़ी देर बाद फिर बताऊँगी। थोड़ा पकने के बाद मसाला आधा डालूँगी, फिर उसके बाद राइस। ओके, तब बाद इसको ढक कर रख दीजिए, मैं ढूंढ रही हूँ अपना ढकने वाला। ठीक है, मैंने ऐसे ढक दिया, ठीक है, तो 10 मिनट ऐसे ढक कर रहने दो, नहीं तो 5 मिनट देखते रहना आवाज़, नहीं तो जलने की आवाज़ आएगी फिर मीडियम फ्लेम में। ओके, अब बंद करके थोड़ी देर वेट करिए, उसके बाद आगे का बताती हूँ। देखिए अभी ये रुको बताती हूँ, ढक्कन निकाल दी पूरा, अभी लाइट हो गया ना कलर, तो आधा इसमें से कभी सब्जी भी ज़्यादा हो जाएगा तो हम तो वैसे ही बिना नमक डाले मतलब बॉईल जैसे होने के लिए ऐसे रखते हैं ना, तो वैसे निकाल देने का आधा, दो चार चम्मच अगर ज़्यादा लगे तो। फिर ये अब मसाला थोड़ा डाल देने का, थोड़ा सा ही नमक सब रहता है, नमक डालने की, हल्दी नमक ये सब डालने की ज़रूरत नहीं है, आधा में रखिए। अब मैं इसमें आधा मसाला डाल दिया, धनिया पत्ता डाल दी हूँ, अब इसको चला तेज गैस करके फ्लेम को थोड़ा तेज कर दिए। मैं जैसे करती हूँ वैसे ही आप लोग को बता रही हूँ करके, टेस्ट लगता है। अगर कलर लाने के लिए आप लोग करोगे जैसे सरगम चटनी वगैरह और डाल कर खाना चाहते हो तो करो, लेकिन ऐसे ही खाली खाने से इतना टेस्ट लगता है आप यकीन खाना भी, यकीन मानिए आप करके खाओगे तो यकीन करोगे। और मैं इसको खिला खिला, देखिए चावल ऐसा खिला खिला लग रहा है ना, इस तरह ऐसे ही हाथ से करके हल्के हल्के हाथ से इसमें पूरा डाल देने का। मैं मेरे पास हांडी भी था, मैं उसमें नहीं की हूँ क्योंकि ताकि बच्चे लोग बोले हमारे पास तो नहीं है हम कैसे करेंगे, तो इसलिए मैं इसमें करके बताई हूँ कि तपेली तो ऐसे सबके पास रहती है हंसे कर, तो इस तरह से करके अगर ज़्यादा चावल लगे तो रख देने का, जितना चावल आए और कर लेने का, पूरा अलट पलट कर हो गया, मसाला पूरा भी डाल देने का। देख रहे हो ना मैं ऐसे कर रही हूँ, इतना थोड़ा सा ही चावल को रखी हूँ अभी, हाँ ताकि पलटूंगी ना, आधा पैकेट में डाल दी हूँ, चावल को भी डाल दी, पूरा अलट पलट दूंगी अभी। देख रहे हो ऐसे अच्छी तरह से कर लेना, डीप वाला कढ़ाई ही लेने का, वरना छोटा सा कढ़ाई लोगे आपका बाहर से गिरेगा, इसलिए ऐसे अच्छे से बड़ा सा कढ़ाई लेकर करोगे, नहीं तो थोड़े से ही राइस की करना, पहले ज्यादा राइस ऐसे पका कर देना, फिर दो कढ़ाई बैठा देना, अरे मैं आधा सब्जी डाल देना, फिर आधा आधा मसाला इसमें, आधा आधा मसाला उसमें, ऐसे डालकर आप कर लेना। फिर देखिए अब मैं वो मसाला सब डाल दूंगी जितना है पैकेट का, ठीक है, इसी में सारा नमक मसाला सब रहता है, दूसरा कुछ डालने की जरूरत नहीं पड़ती अपने को, और इतना टेस्ट लगता है उस तरह जाओगे। थोड़ा मैं मीडियम फ्लेम कर दी हूँ, इसमें अलट पलट दूंगी, इतना खिला खिला लग रहा है ना, थोड़ा आप ऑयल डाल देना, वो मैं शायद दिखाई नहीं, जो चावल पकाते हैं ना जब बॉईल करते हैं तो चावल कैसे खिला खिला लगे, उसमें दो बूंद ऑयल डाल देना, फिर निथार लेना चावल को, शायद मैं बताई थी नींबू नहीं तो चावल ऑयल नहीं होगा तो नींबू डाल सकते हो, नींबू मतलब एक नींबू ऐसी अखा नहीं डाल देने का, थोड़ा उसका जो दो चार बूंद डाल देने का, तो अच्छा लगेगा। वैसे हर एक जगह कोना कोना मिक्स होना चाहिए, सोया सॉस भी इसमें डाल सकते हो कलर लाने के लिए, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता, ज्यादा खास नहीं लगता है, यही कलर बेस्ट और टेस्ट इतना बेस्ट लगता है, मैं और कोई मसाला पसंद नहीं करती हूँ इसमें,
सेजवान फ्राई राइस, फ्राई राइस रेडी। ओके गाइस, और बच्चे लोग खाकर देखिए आपका पेट भरा भरा रहेगा और स्वाद से संतुष्ट हो जाओगे, इतना मस्त है। ठीक है, इस तरह है मेरा बना। बस अब ये धनिया पत्ता ऊपर से डाल रही हूँ, हो गया मेरा। आप सब खाने के लिए हम रेडी हैं। आप लोग भी ऐसे करके खाइए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। लाइक एंड सब्सक्राइब।